ऑब्जेक्ट हैव टू इजेक्टेड एट 37 सेवन डिग्री टू द ओरिजेंटल पॉइंट ए इन ऑर्डर टू फॉल बी एज शोन इन फिगर 5.22 पॉइंट टू टू बी उसने क्वेश्चन पूछा है वट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स सबसे पहले उसने पूछा है कि जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो किस इनिशियल स्पीड से बाहर आएंगे तो हम ये हम सपोज कर लेते हैं लेट इट इज यू सो हम जो पॉइंट ए है इस पॉइंट पॉइंट जो ए है इस पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं मीन्स दिस पॉइंट इज रेफरेंस मीन्स ये हमारे पास ओरिजिन है सो so, अब हमें पता है कि अगर ये u है तो अब हमारे पास जो ये एंगल थीटा है सो दिस कंपोनेंट विल बी u कोस थीटा मीन्स दिस स्पीड विल बी u यू कोसीटा सो डिस्टेंस x विल बी इक्वल टू ये हमारे पास डिस्टेंस है तो ये क्या होगा स्पीड इंटू टाइम सो स्पीड क्या होगी हमारे पास u cos थीटा इंटू टी सिमिलरली अब हम y के लिए निकालते हैं तो y के लिए क्या आएगा y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वेर ये हमारे पास हॉरिजेंटल मोशन है और ये हमारे पास क्या है वर्टिकल मोशन तो अब हम बात करते हैं कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन की हमने क्या लिया है सबसे पहले हमारे पास जो ओरिजन है ओरिजन हम हमारे पास क्या है ए मीन्स हम ए के रिस्पेक्ट में सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं मीन्स दिस पार्ट विल बी नेगेटिव दिस पार्ट विल बी पॉजिटिव सो ओरिजन ए लेने के बाद हम बात करते हैं पहले होरिजेंटल मोशन सो होरिजेंटल मोशन हमारे पास क्या होगा कि

क्या होगा हमारे पास y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस वन बाई टी जी टी स्क्वेयर नाउ फ्रोम द इक्वेशन फर्स्ट जो हमें t की वैल्यू है जब हम इसके अंदर फाइंड आउट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो हमें पता है बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या बनेगी y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी बाय टू एक्स बाय So, ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं य की। य हमें क्या गिवन है थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन डेज टू पावर थ्री मीटर दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज दिस इज अजन सो दिसंट विल बी नेगेटिव बिकॉज दिस इज डाउन वर्ड सो नाव अब हम बात करते हैं एक्स की एक्स हमें तो हमें क्या मिलेगा ये एक्स वैल्यू क्या है वो नाइन पॉइंट फोर इंटू टेन की पावर थ्री मीटर और जी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है जी इज नाइन पॉइंट एट मीटर सेकेंड स्क्वेयर सो अब हमें बात दि दि एंगल दिया है थर्टी सेवन डिग्री सो हमें पता है टेन 37 थर्टी सेवन डिग्री क्या होता है थ्री बाय फोर तो cos थर्टी सेवन डिग्री क्या होगा फोर बाय फाइव तो सिंपल है अब हम क्या करते हैं सिंपल इक्वेशन में मैन वैल्यू को मैन्युप्लेट करते हैं मीन सबसे पहले हम बात करते हैं वाई की वाई की वैल्यू हमें क्या ग्यूवन है थ्री पॉइंट माइनस थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन डेज टू पावर थ्री इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या की वन है हमारे पास नाइन पॉइंट फोर इंटू टेन डेज टू पावर थ्री इंटू कोस थर्टी सेवन डिग्री माइनस जी नाइन पॉइंट एट बाय टू तो हमारे पास क्या आएगा ये फोर पॉइंट नाइन इंटू नाइन पॉइंट फोर इंटू टेन डेज टू पावर थ्री बायू कोस थर्टी सेवन डिग्री सारे का स्क्वेयर सो so, अब हम क्या करते हैं सिंपल इस इक्वेशन को यहाँ जाके सिंपल वैल्यू को मैनिपुलेट कर देते हैं तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको नाइन पॉइंट फोर इंटू टेन डेज टू पावर थ्री बायू कोस थर्टी सेवन डिग्री इज इक्वल टू इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास बचेगा टेन पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन डेज टू पावर थ्री बाय फोर पॉइंट नाइन और दिस स्क्र दिस स्क्र विल बी स्क्र रूट हेयर सो अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू बचेगी तो अब हमारे पास बचेगा फ्टर सोल्विंग यू विल बी फोर सेवन जीरो 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 बाय वन एट्टी फोर सो आफ्टर सोल्विंग वी गेट टू मीटर पर सेकेंड तो अब हमारे पास ये u की वैल्यू को हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया सो so, ये हमारे पास होगी इसकी इनिशियल स्पीड नाउ अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट को जैसे मैंने पहले तो था टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये है सो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे वैल्यू को सिंपल मैनुपलेट करते हैं सो टी बी पार्ट के लिए टी इज इक्वल टू एक्स बाय यू कोस थीटा कोस थर्टी सेवन डिग्री सो एक्स हमारे पास कितना है नाइन पॉइंट फोर इंटू टेन की पावर थ्री बाय यू कितना है टू फिफ्टी फाइव इंटू कोस थर्टी सेवन क्या होता है फोर बाय फाइव तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास का आंसर आएगा नाइन फोर जीरो जीरो बाई सिंपल कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो तो हमारे पास आएगा लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर